हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री बुक में हम कल हमारी 4 यूनिट कम्प्लीट कर चुके हैं। तो 4 यूनिट कम्प्लीट करने के बाद चलिए अब बढ़ते हैं हमारी 5th यूनिट की तरफ। 5th यूनिट है हमारी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में इस पूरी यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जो आप रिएक्शंस करते हो, कैसे रिएक्शंस होती है, बॉन्ड किस तरह से क्यों टूटता है, कैसे टूटता है, एक एक स्टेप हम इस पूरी यूनिट में करेंगे। हर चीज के बारे में डीपली डिस्कस होगा इसमें। तो इस यूनिट में सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड्स कैसे टूटते हैं, और ये जो बॉन्ड्स में एरो आते हैं ना, वो किस तरीके से आते हैं। जैसे आप क्या करते हो कि कोई भी रिएक्शन कैसे, हमने मान लिया ये ए है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है किससे, बी से। अब ये ऐसे जब हम बॉन्ड टूटता है, ऐसे एरो जो दिखाते हैं वो क्यों दिखाते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा इस तरीके से हम हाफ एरो दिखाते हैं, या ऐसे जो हमारे डबल हेडेड एरो होते हैं, या फिर इस तरह से जो एरोज होते हैं, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस चीज के लिए लगाए जाते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें स्टार्टिंग में एरोज के बारे में डिस्कस करेंगे हम इसमें सबसे पहले। तो आज हम सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले हम इसमें हेडिंग डालेंगे कर्व्ड एरो नोटेशन, यानी कि कर्व्ड एरो, यानी कर्व होता है बेटा इस तरह से, कर्व्ड एरो होता है ये तीर, और नोटेशन क्या दिखाता है, ये हमारा कर्व्ड एरो नोटेशन, कर्व्ड एरो नोटेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये हमारी क्या है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जब हमने लास्ट यूनिट स्टार्ट की थी, तो लास्ट यूनिट में सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारे ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, उसमें हमारा कौन सा बॉन्ड इस्तेमाल किया जाता है, हमारा उसमें ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड आता है। क्या आता है? कोवलेंट बॉन्ड का यूज़ किया जाता है। किसका? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें देखिए, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है किसमें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, केमिकल रिएक्शन जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होती है, उसमें जो पहले से एटम्स के बीच में, यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल ए और बी हैं, इनके बीच में पहले से जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और क्या कर लेता है, एक नया बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? नया बॉन्ड बना लेता है। और इसमें तब क्या होता है, इसमें हमारी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पता चलती है, एक एटम से दूसरे एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पता चलती है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरह से पता चलती है, आप क्या करते हो, हमने क्या लिया यहां पर, HF ले लिया, HF ले लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये किस में डिसोसिएट होता है बेटा, H पॉजिटिव में और F नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। इस तरीके से तो ये हमारा डिसोसिएट होता है, यानी कि देखो यहाँ पर पहले क्या है, यहाँ पर पहले बॉन्ड था, वो बॉन्ड क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो हमारा ये H पॉजिटिव और F नेगेटिव कैसे बना, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्ड पर क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन हमारे कहां जाएंगे, F की तरफ, यानी कि यहां पर क्या होगा, नेगेटिव, और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये जो हमारे ये रिप्रेजेंट करते हैं, देखो पुराना बॉन्ड टूटा, एक नया बॉन्ड बना लिया, क्या किया यहां पर, एक नई चीज बना ली। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो हमारे पुराने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड डिसोसिएट होकर एक नया बॉन्ड बना लेते हैं। और जब ये बॉन्डिंग होती है ना, ये बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, किसके बीच में, हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रिप्रेजेंट करती है। और ये जो मूवमेंट की, और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन,
वो रिप्रेजेंट किया जाता है कर्व्ड एरो से। किससे? इस तरह के एरो से। किससे? कर्व्ड एरो से। वो एरो जो क्या हो, कर्व्ड हो, झुका हुआ हो, ना कि सीधा हो, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और यही टर्म, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है एक एटम से दूसरे एटम तक, जो हमारे कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट की जाती है, वही हमारा कही जाती है कर्व्ड एरो नोटेशन। क्या कही जाती है? कर्व्ड एरो नोटेशन। तो पहले क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यह है इसकी डेफिनेशन। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की केमिकल रिएक्शन के टाइम पर एग्जिस्टिंग कोवलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जो पहले से ही सहसंयोजी बंद होते हैं वो टूट जाते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और नए बंद बन जाते हैं। क्या होता है? नए बॉन्ड बन जाते हैं। दिस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। और यहाँ पर जब पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? मूवमेंट। किसकी मूवमेंट? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। मतलब क्या हुआ? पहले बॉन्ड जो था वो टूट गया, नया बॉन्ड बन गया, और जब नए बॉन्ड बनते टाइम होता है, जब नया बॉन्ड बनता है, तब उसमें एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है, वो दिखाई जाती है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व्ड एरो। जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, वो दिखाई जाती है किससे? कर्व्ड एरो से। कर्व्ड एरो कैसा होता है? ऐसा होता है, एंड दिस इज टर्म्ड एज कर्व्ड एरो नोटेशन। और यही क्या कही जाती है? कर्व्ड एरो नोटेशन। जैसे एग्जांपल के लिए क्या लेंगे, कोई भी एक ग्रुप ले लीजिए, कार्बोनिल ग्रुप ले लीजिए। कार्बोनिल ग्रुप लिया ये हमने। अब इसमें क्या करेंगे हम इसमें बताएंगे, इस तरीके से हमारा बॉन्ड टूट गया। इस तरीके से क्या हुआ? बंध टूट गया। अब बंध टूट गया तो हम क्या दिखाएंगे? देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है। यहां पर ये बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, मतलब इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इस वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस पर आ गए? ऑक्सीजन पर आ गए। कैसे दिखाओगे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स? ये हमारा कार्बन हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहां पर आ गए हमारे इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। जब हमारा बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो आगे की तरफ नेगेटिव ऑफ चार्ज और पीछे हमारा क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से ये क्या हो गई? हमारा कर्व्ड एरो नोटेशन। अब इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं, कर्व्ड एरो नोटेशन क्या होता है। जो हमारा रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में भी ये हमारा दिखाया जा सकता है। रेजोनेंस कैसे? जैसे हमारा कोई भी, हमने क्या ली? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ली, मतलब जिसमें हमारा क्या हो? रेजोनेंस हो। उसमें हमारा पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, यानी कि इस तरीके से होता है हमारा पाई बॉन्ड डिसोसिएट। यहां पर क्या आता है? यहां पर हमारा पार्शियली नेगेटिव आता है, और इधर क्या आता है? पार्शियली पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ? यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है, फिर आगे क्या आएगा? यहां पर ये वाला बॉन्ड जब इधर को डिसोसिएट हुआ, ये बॉन्ड डिसोसिएट हो गया, यानी कि यहां पर कैसा आ गया? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि यहां पर क्या हुआ? जब ये बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है तो यहां पर बॉन्डिंग हो रही है, यहां पर बॉन्डिंग हो रही है, फिर ये जो बॉन्ड है ये हमारा डिसोसिएट होगा, फिर हमारा जो ये है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा। इस तरह से हमारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट होते चले जाएंगे, यानी कि बॉन्ड क्या हो जाएगा? डीलोकलाइज होता रहेगा इसमें। अब इसमें एक कंडीशन तो ये आ गई कि हमारा ये जो एरो है ये कर्व्ड एरो होता है। अब इसमें एक और एरो आता है, वो क्या है? फिश हुक एरो। फिश हुक कैसा होता है? फिश हुक एरो बेटा, मतलब ये जो कर्व्ड एरो होता है ना, उसका आधा होता है। कर्व्ड एरो विद अ हाफ हेड। कर्व्ड एरो विद अ हाफ हेड। विद अ हाफ हेड, हाफ हेड वो क्या कहलाता है? इज फिश हुक एरो। इज अ फिश हुक, फिश हुक, फिश हुक
क्या कहलाता है, वो फिश हुक कहलाता है। फिश हुक कैसे, जैसे हमारा क्या होता है इस तरह से, हमारा ये क्या है, पूरा एरो है, ये हमारा क्या हो गया, कर्व्ड एरो, पर हमें क्या बताना है, उसका आधा सिर बताना है। आधा सिर कैसे बताओगे, अरे ऐसे कर दो, या फिर क्या करोगे, ऐसे कर दोगे, ये क्या हो गया, आधा सिर हो गया, पूरा सिर ये है, आधा ये कर दिया और ये कर दिया, ये क्या हो गया, आधा सिर हो गया। यानी कि जो कर्व्ड एरो का आधा सिर वाला जो एरो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फिश हुक वाला एरो। अगर आपने फिशिंग की होगी तो फिशिंग हुक कैसे होता है बेटा, फिशिंग हुक ऐसे होता है हमारा, इस तरीके से हमारा फिशिंग हुक होता है, इसमें मछली का चारा फंसाया जाता है और फिर फिशिंग की जाती है इस तरह से। तो इसी फिश हुक की वजह से ही इस एरो का नेम दिया गया है फिश हुक एरो, समझ गए। अब इसमें एक और एग्जाम्पल ले लीजिए फिश हुक एरो को देखकर, कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें कर सकते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच ले लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच ले लीजिए। अब इसमें क्या होता है बेटा, यहां पर ये बॉन्ड दिखाने का मतलब क्या है, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब ये दोनों कैसे है, सेम ग्रुप है, दोनों सेम ग्रुप है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन तो क्या जाएगा इसकी तरफ और एक इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा इसकी तरफ। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये जो हमारे फिश हुक एरो होते हैं ना, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा कहां आ गया, इधर आ गया। तो यहां पर किस तरीके से बन जाएगा ये, यहां पर ये हमारा आ जाएगा इस पर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमारा इस वाले कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, फिश हुक एरो हो गया। दो एरो समझ में आ गए, कर्व्ड एरो और फिश हुक एरो, इसे नोट कीजिए। फिर और तीसरे एरो के बारे में पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट एरो कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट एरो, स्ट्रेट एरो, सीधा एरो, स्ट्रेट एरो, एरो होता है तीर, स्ट्रेट एरो कैसा होता है, इस तरह से, इस तरह से जो एरो होता है ये होता है हमारा क्या, स्ट्रेट एरो। अब ये स्ट्रेट एरो किस लिए यूज किया जाता है बेटा, आप सभी को पता है ये एरो यूज किया जाता है रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये एरो यूज किया जाता है। और ये पॉइंट होता है कहां से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ये पॉइंटेड होता है, क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ये एरो पॉइंटेड होता है। दिस एरो इज यूज्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन, दिस एरो इज यूज्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन, फॉर द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, दिस एरो इज यूज्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन, फॉर द केमिकल रिएक्शन एंड पॉइंटेड फ्रॉम, एंड पॉइंट फ्रॉम, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, मतलब क्या हुआ, जो हमारा स्ट्रेट एरो होता है वो यूज किया जाता है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में, जो पॉइंटेड होता है, जो पॉइंटेड का मतलब है ये दिखाया जाता है किस तरफ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, मतलब जो हमारे रिएक्ट करते हैं उनसे जो हमारा उत्पाद बनता है उसकी तरफ ये हमारा पॉइंट किया जाता है। जैसे हमारा क्या होता है, जैसे हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन आप यहां पर लिख सकते हो जो कैसी हो, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन हो, जैसे CH4 की रिएक्शन Cl2 के साथ करा दीजिए। अब देखना यहां पर ये क्या हो रहा है, ये हमने लगा दिया यहां पर स्ट्रेट एरो, जो कि स्ट्रेट एरो है, क्या है, स्ट्रेट एरो यानी कि सीधा एरो है। अब यहां से क्या बना लेगा ये CH3Cl और HCl, यहां पर क्या हो रहे हैं, देखो रिएक्टेंट है, कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, CH4 और Cl2 रिएक्ट कर रहा है, किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, स्ट्रेट एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यहां पर क्या बना लिया इसने, प्रोडक्ट बना लिया। तो ये कैसा है, ये एक स्ट्रेट एरो है, क्लियर हो गया इतना। अब सेकंड की बात करते हैं,
सेकंड की बात करते हैं, सेकंड है हमारा हाफ हेड स्ट्रेट एरो। अब ये हाफ हेड स्ट्रेट एरो क्या है, जैसे हमारा फिश हुक एरो था इसी तरीके से ये है हमारा हाफ हेड स्ट्रेट एरो, हाफ हेड स्ट्रेट एरो। हाफ हेड स्ट्रेट एरो यूज किया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन को दिखाने के लिए। रिवर्सिबल रिएक्शन आपको पता है जो हमारी इधर को भी हो जाएगी और इधर को भी हो जाएगी, दोनों दिशाओं में हो जाएगी, वो होती है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस एरो इज यूज्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस एरो इज यूज्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। इन रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में ये एरो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे हमारी कोई भी रिएक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं किसकी रिएक्शन ले लो, ले लो इसमें एन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन N2+3H2, यहां से क्या बन गया, ये यहां से ये बन गया 2NH3। मतलब क्या हुआ, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर क्या बना सकते हो आप, अमोनिया बना सकते हो। और अमोनिया को डिसोसिएट किस में कर सकते हो आप, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कर सकते हो। किस में कर सकते हो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में डिसोसिएट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये रिएक्शन इधर से भी हो सकती है, रिएक्शन इधर से भी हो सकती है। ये कैसे दिखा रहे हैं, हाफ हेडेड स्ट्रेट एरो से। स्ट्रेट कैसे, एरो कैसे है, स्ट्रेट है और आधे सिर वाले हैं, तो ये कैसे हो गए हाफ हेडेड स्ट्रेट एरो। अब इसके बाद एक और एरो के बारे में डिस्कस करेंगे, एक नहीं एक्चुअली दो हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इनको नोट कीजिए, ये वाला और ये वाला नोट कीजिए इसको। देखिए अब आगे बात करते हैं डबल हेडेड स्ट्रेट एरो के बारे में। डबल हेडेड स्ट्रेट एरो वे एरो जो दो सिर वाले हो और सीधे हो। कैसे, जो हमारे इस तरह से दिए गए हों। ये जो हमारे एरोज होते हैं, ये एरो यूज किए जाते हैं मोस्टली कैनोनिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी हमने क्या किया था, इसमें जब फर्स्ट कर्व्ड एरो के बारे में बात की थी हमने, तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी। क्या बनाई थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जब हमने डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी, तो उनके बीच में क्या एरो यूज किया था, ये एरो का यूज किया था ना, यही एरो हमारा कहलाता है डबल हेडेड स्ट्रेट एरो। क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल हेडेड स्ट्रेट एरो कहा जाता है इस एरो को। अब इस एरो की खास बात सुन लीजिए, क्या खास बात है इस एरो की, ये जो हमारा एरो होता है ये क्या होता है। देखो ये एरो एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। अगर आपने रेजोनेंस वाला टॉपिक कल अच्छे से पढ़ा होगा, तो रेजोनेंस वाले टॉपिक में हमने बताया था कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होती है। एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होती है, मतलब ये एरो जो होगा किसी भी हमारे कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बारे में बता सकता है, पर उसमें से कोई सी भी स्ट्रक्चर एक्चुअल नहीं होती है। लिखिए इस बॉन्ड के बारे में, this arrow is used to represent The phenomena of resonance, used to represent the phenomena of resonance. Phenomenon of resonance. Phenomenon of resonance. Resonance. ये जो एरो होता है, ये तीर होता है, ये इस्तेमाल किया जाता है रेजोनेंस की घटना को रिप्रेजेंट करने के लिए। अमंग पॉसिबल रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर्स, जितनी भी पॉसिबल संभव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे उस कंपाउंड की आ सकती है, बट नन ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, पर उनमें से कोई भी संरचना क्या उसकी असली संरचना नहीं होती है, बट नन ऑफ दीज इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, A C T U A L, एक्चुअल वास्तविक होता है बेटा, एक्चुअल स्ट्रक्चर, नन ऑफ दीज इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर. अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे. जैसे हमारी बेंजीन ही होती है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सबसे ईजी एग्जाम्पल, आप आसानी से याद रख सकते हो. बेंजीन है इसका बेस्टेस्ट एग्जाम्पल. यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है. जब हम बॉन्ड डीलोकलाइज करते हैं, जब बेटा हमने इसमें पहले आपको रेजोनेंस पढ़ा चुके हैं, आप रेजोनेंस में जाकर देख सकते हैं कि ये हमारे बॉन्ड किस तरह से डीलोकलाइज होते हैं, आपको ये समझ आ जाएगा. जैसे अब हम इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं ना, ये हमारा बॉन्ड क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया. ये बॉन्ड जो हमारा डीलोकलाइज होता है, मतलब अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पे जो आ जाता है ना, ये हमारा कैसे आता है, ये हम रेजोनेंस में आपको डीपली एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वहां से देख लीजिए. पर जो बेटा इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर इसकी एक्चुअल नहीं होती. एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बेंजीन की होती है वो ऐसे होती है. इसमें क्या होती है, रिंग प्रेजेंट होती है. क्या होती है, रिंग प्रेजेंट होती है, मतलब बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इसकी सारी साइड्स में बॉन्ड प्रेजेंट होता है. एक एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक हमारी स्ट्रक्चर ये आ गई, या एक स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो इसमें, एक स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर सकते हो आप, इसमें बॉन्डिंग दिखा सकते हो, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो आप, कैसे आएगी वो स्ट्रक्चर, ऐसे आ गई. एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं आप, वो क्या आ जाएगी बेटा, वो हमारी स्ट्रक्चर आ जाएगी कैसे, इस तरह से. ये क्या आ गई बेटा, इसकी सारी, ये सारी आ गई इसकी रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर. और ये हमारे कैसे हो गए, ये हो गए हमारे डबल हेडेड स्ट्रेट एरो. इसको नोट कीजिए, एक एरो के बारे में और डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है बेटा ये हमारा एरो ड्रॉन पैरेलल टू द बॉन्ड, मतलब यहाँ पर क्या है, बॉन्ड के पैरेलल, बॉन्ड के पैरेलल इस तरह से जो हमारे एरो दिखाए जाते हैं वो कैसे आते हैं, इस तरह से जो एरो दिखाए जाते हैं वो कैसे आते हैं. जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड तो हमारा ये रहा, ऐसे जो एरो दिखाए जाते हैं वो हमारे, वो कहलाते हैं एरो ड्रॉन, एरो वे एरो जो खींचे गए हो, बनाए गए हो पैरेलल, पैरेलल इस तरह से होते हैं टू द बॉन्ड, बॉन्ड के पैरेलल. क्लियर है इतना. अब देखो जो आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में बॉन्ड के पैरेलल, बॉन्ड के पैरेलल क्या करते हैं, एरो ड्रॉ करते हैं. वही इसमें आएगा, जैसे जैसे CH3 CH2 CH2 और ये आ गया हमारा Cl. अब देखो जो हमारे एरो ड्रॉ किए जाते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पॉइंट किए जाते हैं. किसकी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ. जैसे इसमें Cl- क्या है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी कि एरो हमारा इधर को ड्रॉ किया जाएगा. यहाँ पर कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पर कैसा आएगा, पार्शियली पॉजिटिव. अब ये क्या है, ये हमारा इधर इलेक्ट्रॉन देगा, तो यानी कि इस पर पार्शियली डबल पॉजिटिव. ये इधर एरो देगा, यानी कि इस पर पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव. इस तरीके से हमारे क्या आते हैं, ये एरो दिखाए जाते हैं. हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट वाले लेक्चर में, आप उसमें देख सकते हैं. क्लियर है. और यहां पे हमारे कंप्लीट होते हैं जो एरोस के बारे में हमने पढ़ा है, एरो नोटेशन, जितने भी एरो का हम यूज करते हैं रिएक्शन में, वो हमारे आज इसमें सब पढ़े जा चुके हैं. ये सारे एरोस का हम यूज करेंगे किसमें, जब हम रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखेंगे. और आज के लिए बस इतना ही. अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हो. इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india.
ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस आईडी पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद उस पर सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, छोटा सा ये काम करना है। और इस काम को करते के साथ ही आप अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे, जहां पर आपको डेली क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इसमें कल हम करेंगे बॉन्ड फिजन के बारे में डिस्कस, यानी कि बॉन्ड कैसे टूटता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।